कबो ना हो खेल अखिया से ओझल कल कुबुल राजा हमर पर पोझल अबे ना होता हमारा से इंतजार अबे ना होता हमारा से इंतजार एहो मनीष पत्रकार हम बनी रेडी का तू बन हो गया है प्लीज। पहले आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ आपके स्टूडियो का नाम क्या है, किस स्टूडियो से आप गाना गाई, अपना पूरा परिचय दीजिए। जी प्रणाम, फेमस म्यूजिक और कैथोलिया है। मेरे दर्शकों को आप थोड़ा सा उसमें से सुना सकती हैं अंतरा? चैनल पे है आप लोग सुन सकते हैं। उस गाने को लेकर इतना विवाद चल रहा है अभी मार्केट में, सब लोग कह रहे हैं अश्लील अश्लील, तो आप लोग एक बार फेमस म्यूजिक को सर्च कीजिए, फेमस वीडियो को सर्च कीजिए और एक बार सुनिए। मैं मानता हूँ, सुनिए सर, मैं मानता हूँ कि आपका बात सत्य है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि उनके दरवाजे पे जा करके लाइव उनसे गाना सुनवा सकते। चलिए सुनाओ। कबो ना हो खेल अखिया से ओझल कल कुबुल राजा हमर पर पोझल कबो ना हो खेल अखिया से ओझल कल कुबुल राजा हमर पर पोझल अबे ना होता हमारा से इंतजार अबे ना होता हमारा से इंतजार एहो मनीष पत्रकार हम बानी रेडी का तू बनब भातार। बाबा क्या बात है, सुनिए सुनिए सुनिए, अगर मैं आपसे मनीष भैया से शादी करना चाहेंगी? जी नहीं, वो उनको भगवान मानते हैं तो कैसे शादी कर लेंगे। तो मैं आपसे मनीष कश्यप के नाम पे गाना क्यों आप लोग गाए? फेमस होने के लिए? फेमस होने के लिए नहीं, मनीष कश्यप हमारे बगल के हैं, उनके चुनाव प्रचार भी हम लोग किए हैं, तो इसका मतलब हम लोग फेमस होने के लिए उनका चुनाव प्रचार में थोड़े ना घूमे हैं। अच्छा, उनसे पूछा गया था उनका नाम गाने में रखने के लिए, उनसे पूछे थे आप लोग? उनसे नहीं, क्या जरूरत है। लेकिन और सारे बड़े शख्स गाना निकाल सकते, लेकिन मनीष कश्यप पर ही। अगर आप भी अच्छा काम कीजिएगा तो गाना लिखने वाले, देखिए हम राइटर भी हैं और मैनेजर भी हैं, और जो लिखे हैं गाना को उस गाना को लिखे हैं वो भी राइटर भी हैं, और आप हमारे नजर में बहुत अच्छा काम कीजिएगा तो आप भी गाना आएगा और एक नहीं हजारों गाना आप भी आ सकता है। देखिए कहने का अर्थ है मनीष कश्यप को भातार बनाएंगे, इस चीज को आप लोग मतलब शुरू से यही चीज को कर रहे हैं, मनीष कश्यप को भातार बनाएंगे, कहीं ना कहीं इस चीज को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। एक लड़की कह रही है तो लड़की, अगर जितने सारी लड़कियां, अगर मनीष पत्रकार चाहे जो भी है बड़े इंसान कह रहे हैं, कौन लड़की नहीं चाहती कि मेरा पति जो है बड़े अच्छे काम कर रहे हैं वो अच्छा। ये जो गाई है लड़की फीलिंग बताई हुई है कि मतलब कि सब लड़कियां चाहती है कि मेरा मनीष पत्रकार के जैसा पति मिले, इस चीज को आप लोग नहीं मतलब कि ज्यादा। सोनू सूद भी तो अच्छा चेहरा था अपना बिहार का। सोनू सूद, ये बात आप कहां पूछे हमसे? सोनू सूद, एक मिनट, सोनू सूद मैनेजर साहब हो चुका है, ये आपको पता है? सुने, पता है। हां, सोनू सूद, सोनू सूद का शादी हो चुका है तो गाना नहीं गाया, उनका शादी हो चुका है तो ये गलत नहीं है। अब उनका शादी हो चुका है तो उनके शादी के लिए कौन लड़कियां गाएगी कि इनका शादी हो, कौन कोई लड़की चाहेगी कि मनीष कंपनी के चैनल पर शादी हो? देखिए सोनू सूद के लिए भी गाना गाए, उस दिन आप लोग कहां थे? ऐसा बात नहीं कि फेमस म्यूजिक, आज एक 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 गरीब लड़की, गरीब परिवार की लड़की एक भतार शब्द यूज कर दी वो मनीष कश्यप के साथ में, इतना आदमी आ गए लोग, तो आप लोग इतने लोग आ गए, इतने अच्छी अच्छी गाना गाई आप लोग, चैनल विजिट किए हैं? देखिए चैनल को खोल के जितने हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री वाले, आप एक इंटरव्यू में बोली हैं कि हम भतार हम शादी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आप एक इंटरव्यू में बोले हैं, इस पर क्या बोलना चाहिएगा? आप इंटरव्यू हम देखे हैं तो बोलिए, वीडियो में क्या वायरल होने के लिए बोले हैं? बताइए, इतने कैमरा जब चल रहा है, इस बच्ची का उम्र आप लोग देख रहे हैं, आज 15 साल है, नहीं बोली थी वो हम समझ रहे हैं ना, बोली थी यही, ये बोली थी कैमरा के सामने बोलने के लिए बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। देख बच्ची अगर बोल ही दी कि हम मनीष पत्रकार को मतलब कि पति मानना चाहते हैं, तो क्या मनीष पत्रकार, अगर इसका ये है मनीष पत्रकार कि ना हम ना शादी करेंगे तो नहीं, ये बात सही है, ये पहले बात को मानते हैं आप, पहले बोले कि शादी करेंगे लेकिन अब बोले बोलने के लिए, मैं बोलने के लिए कह रहा हूं, मनीष कश्यप को प्रपोज कर रही है, ये बात सही है, इसको कुछ हद तक सही माना जाएगा, नहीं ये मैंने फिर आप गलत बोल रहे हैं, ये प्रपोज नहीं कर रही है, ये सब लड़कियां प्रपोज कर रही है, प्रस्तुत की हुई है, ठीक है ठीक है। लेकिन एक सवाल है आप लोगों से, अब आमदी से, कि पहले क्यों बोले आप कि हां हम शादी करना चाहते हैं इसीलिए हम प्रपोज के लिए गाना गाए, पहले हम इंटरव्यू में देख चुके हैं वीडियो। अच्छा, प्रपोज के लिए तो हाँ, ये गाना गाए, सब लोग से यही कहना चाहेंगे कि गाने हमारे पूरे फेमस म्यूजिक की टीम की तरफ से गाने में कोई गलती नहीं है, इंटरव्यू में मेरी बच्ची गलती की है, इसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। चलिए हो गया, इंटरव्यू में गलती, यही तो हम पूछना चाह रहे थे, गलती हुआ है, गलती हुआ है, आप लोग यही बोल देते पहले, जो भी गलत हो गया है प्लीज माफ कर दीजिए, यही तो हम चाह रहे थे कि माफी मांगे। इसे बोलिए, इसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर गाना आएगा कि नहीं? आएगा, कल आएगा।